पटना में भारी बारिश के बाद शहर के कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी पटना के सड़कों पर ये जो तालाब सा मंजर आप देख रहे हैं, ये किसकी लापरवाही को इंगित करता है ये हम समझेंगे। और देखिए, ये बारिश उन तमाम दामों के पोल भी खोल रही है। और आप तस्वीरें देखिए, कई घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि बारिश ने किस कदर पटना की सड़कों पर जो है अपना असर दिखाया है। और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है, लोगों को भारी मुसीबत झेलनी पड़ रही है सड़क से गुजरने में। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं राजधानी पटना से। विवेक के पास चलते हैं। विवेक, राजधानी पटना की सड़कें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। और जिस तरीके से जलजमाव हुआ है विवेक, लोगों की परेशानी बढ़ गई है, उन्हें आवागमन में समस्या हो रही है। इस तरह की परेशानी कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही को पूरी तरीके से दर्शा रहा है विवेक। अजय, बिल्कुल, कल देर रात जिस बारिश हुई है, जो लगभग 2 घंटे तक लगातार जो बारिश, उसका जो कही जाए तो पटना नगर निगम का पूरी तरीके से पोल खोल के रख दिया है। इस इलाका में हम अभी लोहिया नगर इलाका में है, लोहानीपुर बोलता है। इस इलाका का आपको तस्वीर दिखाएंगे, जहां देख रहे हो पूरी सड़क जो है, सड़क ढक गया है हम पानी के जल जमाव से। और जहाँ तक आपको कैमरे की नज़र जा रही होगी, जहाँ के देख रहे होंगे जो मंदिर है, मंदिर भी का आधा जो हिस्सा है वो भी डूब चुका है। उसके साथ साथ जो घर में है, घर में पानी तक घुस गया है। ऐसे में इस इलाका में अगर कही है तो यहाँ पे जो अभी बिहार के जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, उनका यहाँ इस तरफ घर है, उनका भी घर में भी जल जमाव उसी तरीके से भरा हुआ है। पिछले दिनों ही नगर विकास आवास की ओर से दावा किया गया था कि अगर जल जमाव होती है तो हम तुरंत उसका निदान करेंगे, एक फ़ोन आएगा जैसे निदान हो जाएगा। लेकिन जो लगभग अभी बजने को है, दोपहर 12 बजने को है, लेकिन उसके बाद भी इस इलाका में पूरी तरीके से जल भरा हुआ है और पानी भरा हुआ है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक घर यहाँ पे देख रहे होंगे किस तरीके से जो घर के आधा हिस्से में पूरी तरीके से जल भरा हुआ है। उसके साथ साथ जो लोग आवागमन में लोगों की परेशानी हो रही है, और लोग इसी जल में हेलकर लोग जा रहे हैं, और इस तरीके से कुछ लोग भी हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कितनी परेशानी होती है जल? बहुत ज़्यादा, बहुत। नगर विकास की ओर से पिछले बार दावा किया गया था कि जल जमाव तुरंत निदान कर लिया जाएगा, एक कॉल आएगा। कुछ नहीं, सब बेकार है, कुछ नहीं। दान देख तो रहे हैं, एक घंटा का आधा घंटा का पानी में इतना सारा जगह पानी जम जाता है, इससे ज़्यादा समझिए एक घंटे और डेढ़ घंटे के पानी में ये जो इलाका है पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। इस इलाका के अधिकतर जो घर है पूरी तरीके से डूब चुका है। ये इस बार ही नगर विकास आवास की ओर से दावा किया गया था कि अगर जल जमाव होता है तो तुरंत उसका निदान हो जाएगा, लेकिन 2 घंटे की बारिश में पूरी तरीके से पटना जल जमाव की स्थिति में बन गई है, जहां कई नदियां जो है उफान पे है, गंगा हो, गंडक हो। देखिए विवेक, हमेशा ये कोई नई बात नहीं है विवेक, ये जो बारिश हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और सड़कों पर जो जल जमाव तालाब जैसे हालात बन गए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और सरकार हमेशा ये दावा करती है विवेक कि इन परिस्थितियों से हम निपटने के लिए तैयार हैं। 2020 की बात कर लीजिए, 2021 की बात कर लीजिए, या फिर बीते आप 4 सालों को देखें तो बारिश होती है और पटना की सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। तो आखिर जब सरकार दावा करती है कि हम पूरी तरीके से, और देखिए नगर निगम को ये माना जाता है कि नगर निगम शहर में व्यवस्था बहाल करने के लिए जानी जाती है, लेकिन ये तो साफ तौर पर कुव्यवस्था दिख रही है। और जैसा कि आपने बताया कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी इस इलाके में घर आता है, तो ये तो साफ दिख रही है कि पूरी तरीके से लापरवाही है। और बीते कई वर्षों से जल जमाव की स्थिति बनने के बाद भी सरकार अब तक नहीं जागी है, लोगों को तालाब जैसी स्थिति में चलने के लिए झोंका जा रहा है ये तो। जी बिल्कुल, बीते दिनों ही जो लगभग 10-15 दिन हो रहे हैं, जो नगर विकास आवास मंत्री हैं नितिन नवीन और साथ ही साथ जो पटना के मेयर हैं सीता साहब, उन्होंने दावा किया था कि अगर जल जमाव होता है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे और हमें एक कॉल आएगा, उसके बाद जो समस्या है उस समस्या दूर हो जाएगी, पानी तुरंत वहाँ से रिकवर कर लिया जाएगा। लेकिन जो ये जो है पानी जो आपको लगभग 12 बज गया, लेकिन दोपहर का जो इलाका है वो दोपहर भी हो गया, उसके बावजूद भी ये जो अभी तक पानी है, पानी का इसी तरीके से जलमग्न है और स्थिति न तो किसी भी प्रकार का सुधार है। क्योंकि अगर पिछले दिनों की बात कर लिया तो जिस तरीके से गांधी मैदान के इलाका में जो बारिश
इलाका जो डूबा हुआ था, और ऐसे में उस इलाका में तुरंत तो जब उस समय अभियान चलाया गया था कि अगर डोर टू डोर जाकर जो जल जमाव हो जल जमाव निकासी कर लेगा, उस समय अभियान चलाया गया तो उस समय तो दो दिन तीन दिन तक धरातल स्तर पर तो दिखी बारिश हुई थी, लेकिन जो अब धरातल स्तर पर कहीं नहीं दिख रहा, लोग जो हैं आधे कपड़े जो है पैंट है आधे कपड़े मोड़ कर लोग चलने के लिए बेबस हैं। ये जो इलाका है पूरी तरीके से जलमग्न है, हर एक साल इसी तरीके से बरसात के मौसम हो जाते हैं। जब पानी पड़ता है तो अब माने थोड़ा सा भी पानी पड़ा तो इस तरह का हो जाए, थोड़ा सा भी बारिश हुई। हाँ देखिए ना कितना पानी पड़ा है, ज्यादा पानी तो पड़ा नहीं लेकिन हो गया, तो तीन साल तो पानी ला छन रहा था। इधर विजय कुमार सिन्हा जी का भी घर है। हाँ हाँ उनके सामने भी पानी हटा हुआ है, लेकिन हाँ है उनके सामने भी, सामने वो सामने मकान बना रहा वही बिल्डिंग। ऐसे में क्या किसकी लापरवाही देख रहे हैं, जहाँ नगर विकास की ओर से दावा किया गया था कि अगर बारिश होती है तो हम तुरंत इसका एक फोन आएगा तो समस्या का निदान कर लिया जाएगा, लेकिन वो ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा है। पहले ही वाला स्थिति इतना देरी रहना नहीं चाहिए था पानी, अगर उस तरह का सिस्टम रहता तो इस तरह का नहीं, वो तो दो घंटा में रात में ही नहीं निकल जाता। लेकिन देखिए आदमी नया सिस्टम लगाया है लेकिन वो पास हुआ कि फेल हुआ अब उसी का परीक्षा हो रहा है, परीक्षा हो रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा। अब देखिए कौन सिस्टम लाता है नया। ठीक जो नगर विकास की ओर से दावा किया गया था उसका जो फल स्वरूप देखने को मिल रहा है, बता दें कि विजय कुमार सिन्हा का जो घर है वो जहां कैमरे की नज़र आपको सामने जा रहा होगा वो उसके सामने विजय कुमार सिन्हा का घर है, उनका घर भी जल डूब चुका है। बिल्कुल ये देखिए चिंतित करने वाली तस्वीरें हैं विवेक। और देखिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहेंगे, थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे, 2019 की हम बात करेंगे, 2021 की बात करेंगे, जब पटना में बारिश हुई थी तो बाढ़ जैसे हालात थे विवेक। और जो पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे बिहार के सुशील कुमार मोदी, उन्हें पानी से किसी तरीके से बाहर निकाला गया था, इसके बाद शारदा सिन्हा को किसी तरीके से निकाला गया था। तो ये जो परिस्थितियां फिलहाल बनी हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जिस तरीके से लोग अपने कपड़े ऊपर करके सड़कों से गुजर रहे हैं, कहीं उसी स्थिति में तो दोबारा राजधानी पटना नहीं जा रहा है? जी बिल्कुल, ये लगभग 2020 की कहानी है। उस समय देखा था कि जो सुशील कुमार मोदी थे, सुशील कुमार मोदी का घर जो है पूरी तरीके से डूब चुका था, उनको हाफ पैंट पहनकर और घर से बाहर निकलना पड़ा था दूसरे जगह आसन लेने के लिए। और ऐसे में जो है उसी स्थिति जो देखने को मिला इसी इलाके से कुछ दूर में बात सुशील मोदी का भी घर है, क्योंकि बात कर जाइए लोहानीपुर है, लोहानीपुर के इलाका में ही उनका आगे घर पड़ता, सुशील कुमार मोदी का घर पड़ता था, उनका भी घर इसी तरीके से जलमग्न हो गया था। अब तो सुशील कुमार मोदी रहे नहीं लेकिन जो उनके परिवार हैं, परिवार रहते हैं लेकिन उनके भी इस इलाका में घर पड़ता, उनका भी घर पूरी तरीके से डूब चुका है। लगभग समझिए कि दो घंटे की बारिश में इस तरीके से अगर पटना के VIP इलाका है इस इलाका में जलमग्न हो जाता है, तो ऐसे में जो नगर विकास की ओर से जो दावा की जाती है तो दावा पूरी तरीके से फेल दिखते नजर आ रही है। ये जो समस्या आज का नहीं है, इसे बीते दिनों भी देखा था कि समस्या जब हुई थी उस समय दावा किया गया था तो तुरंत निकाल तो लिया गया था बारिश, लेकिन अब जो है लगभग बारिश होने के लगभग 5-6 घंटे बीत चुके लेकिन नगर निगम की ओर से एक भी टीम आकर इसका जायजा नहीं ली है। जी चलिए, तो अभी तक नगर निगम सोई हुई है, लोग अपने आवागमन के लिए निकल रहे हैं, लोग रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं लेकिन उन्हें भारी परेशानी हो रही है, अपने कपड़े ऊपर करके वो सड़क पार कर रहे हैं, स्थिति राजधानी पटना की ऐसी हो गई है। देखिए विवेक एक और चीज समझने वाली बात है, बिहार के विशेष की बात होती है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात होती है, दूसरी ओर देखिए बिहार में एनडीए की सरकार है, बिहार के राजधानी पटना को लगातार विकसित करने की बातें होती रही हैं, मेट्रो का काम बड़े जोर शोर से राजधानी पटना में चल रहा है, JP पाथवे बन रहा है, गंगा सेतु का आपने विकास देखा, लेकिन उस विकास से कोसों दूर अगर आप सड़क पर आएंगे और ये तस्वीरें देखेंगे तो फिर ऐसा लगता है कि राजधानी पटना के साथ कहीं ना कहीं अन्याय भी हो रहा है। एक तरफ विकास की बात जरूर कही जा रही है, सरकार दावा कर रही है कि पटना को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, पटना को बहुत सुदृढ़ कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें तो फिर झुठला देती हैं उन तमाम दावों को। जी बिल्कुल, एक तरफ जहां विशेष राज्य के दर्जे की मांग होती है और बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है लगभग 19 सालों से सरकार है उनकी, और
डिप्टी सीएम बदल जाते हैं लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। और ये जो इस इलाका पटना को जो एक मेट्रो सिटी का भी जो कही जाए तो दर्जा में मेट्रो सिटी के आ गया है लेकिन मेट्रो का भी काम पूरा तरीके से नहीं हुआ है। लेकिन मेट्रो का काम लगभग 2026 तक पूरा हो जाएगा, 2026 में लगभग जो मेट्रो का जो परिचालन शुरू हो जाएगा। लेकिन जो इस परिचालन शुरू होने से पहले जो कही जाए तो इस तरीके से जब इलाका में तस्वीर देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं जो कही जाए तो जो राजनीतिक दावा जो की जाती है वो दावा में तो पूरी तरीके से फेल दिखते नजर आ रहा है। क्योंकि अगर बात कर लिया तो भी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है अखिलेश सिंह उनके भी घर जो है वो पाटलिपुत्र इलाका में पड़ता है, उनका भी घर डूबा हुआ था। जब हमने उनसे अभी पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने का क्रम में बातचीत किया तो उस समय भी उन्होंने कहा कि ये आरक्षण के मुद्दे पर आप क्यों अभी बहस कर रहे हैं, अभी तो देखिए कि पटना की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमको जो आधा पैजामा हम मोड़ कर घर से निकलना पड़ा है। यानी कि साफ तौर पर कई नेताओं का जो इस इलाका में भी घर है और उसके साथ साथ राजधानी पटना के जो कई इलाका है कई इलाकों में इस तरीके इसी प्रकार जो जल जमाव है जल जमाव पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। और ऐसे में बात के लिए तो अभी जो सिपाही भर्ती का जो सेकेंड चरण का वो परीक्षा चल रहा है आज सेकेंड चरण से, ऐसे में कई जो कॉलेजेस है कई कॉलेजेस में भी पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। कई जो छात्र हैं छात्र परीक्षा देने के लिए जाने में विवश हैं, यानी कि पूरे उनके घुटने भर पानी में भयंकर वो परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो सरकार दावा करती है नगर निगम और आवास जो दावा करती है उनके दावों में यही सच्चाई देखने को मिल रहा है कि लगभग 2 घंटे की बारिश में पूरी तरीके से पटना जलमग्न हो जाता है। ऐसा स्थिति न हो 2020 वाली स्थिति जब देखा उस समय कि क्या होता था कि पटना के बड़े बड़े हॉस्पिटल NMCH हो PMCH हो उसके साथ साथ जो कई हॉस्पिटल में तक पानी भर जाता था और उस समय लोग जो हॉस्पिटल में मछली तक तैरता था। और ऐसे में वो स्थिति न देखने को मिले ऐसे में लेकर नगर विकास की ओर से तो दावा की गई है लेकिन दावा में आप पूरी तरीके से सच्चाई नहीं देखने को मिल रहा है। जी नवीन बिल्कुल, तो 2019 और 2021 वाले हालात दोबारा ना बने इसके लिए नगर निगम को जागने की जरूरत है। विवेक देखिए कई इलाके प्रभावित हुए हैं इस बारिश की वजह से और आप जहाँ पर मौजूद हैं विवेक अगर वहाँ पर कुछ लोग प्रभावित हुए हैं अगर आप उनके घरों में जाकर बातचीत कर सकते हैं या फिर उनसे समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी उन्हें हो रही है तो जरूर आप समझने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि आगे और चल के और घर की तस्वीर दिखाएं कि वो घर की क्या स्थिति है और किस तरीके से लोग घर से निकलने में विवश हैं। और जो ये तस्वीर है और जो लोहानीपुर की तस्वीर है और ये लोहानीपुर का इलाका है लगभग से बात करने की कोशिश कीजिए ऐसी परिस्थिति में लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत जरूरी हैं कि लोग क्या सोचते हैं नगर निगम के बारे में, लोगों की क्या राय है नगर निगम की कार्यप्रणाली से, वो कितने नाखुश हैं कितना असंतोष वो जता रहे हैं, इसलिए लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। लोगों से बात कीजिए किस तरीके से देख रहे हैं। 2019 में भी यही स्थिति देखने को मिला था, 2021 में भी यही स्थिति देखने को मिला था, आज लगभग 2 घंटे की बारिश में पटना जलमग्न हो गया। हाँ दो घंटा में समुचा पटना पट गया। लगभग इस इलाका में रह रहे हैं पुराने हैं तो इस इलाका में देख रहे हैं कि जब भी थोड़ी बारिश होती है तो क्या डूब जाता है। यहाँ बारिश जड़े सा होता है डूब जाता है। कांग्रेस मैदान खाला है, ये है 70 का पानी चारों तरफ गए यहाँ, चारों तरफ के पानी आके यहाँ जम जाता है। अच्छा। यहाँ जम जाता है आकर जम के आवास। अच्छा, नगर निगम की ओर से कुछ गाड़ी वगैरह जो चलाया गया था लगभग 75 गाड़ी चला था, 75 वार्डों में जाकर काम कर रहे थे गाड़ी, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ 75 का ताम बन तहाँ बस मटर चल रहा है, रात दिन चला रहा है, पानी नहीं निकल रहा है। निकलबो करेगा तो 4 घंटा 5 घंटा रात भर चला दिन भर चलेगा, 2 बजे तक चलावेगा तभी निकलेगा, कोई उपाय नहीं है। चलिए अभी जो दावा किया गया वो दावा में तो पूरी तरीके से फेल दिखते नज़र आ रहा है। बता दें कि ये इलाका में कई जो VIP लोगों का भी आवास है और आगे हम आपको चल के तस्वीर दिखाएंगे और भी घर की तस्वीर के वो घर में क्या स्थिति बनी हुई है। जो पूरी तरीके से इलाका है पूरा इलाका जो जलमग्न हो गया है, लोग पैदल चलने में विवश हैं और आधा कपड़ा जो है मोड़ कर लोग चल रहे हैं। जो तस्वीर जो देख रहे होंगे जो बाइक से भी लोग जा रहे हैं तो अपना पैर जो है ऊपर कर ले रहे हैं कि उनकी कपड़ा न भींगे। और ऐसे में जो इलाका है ये इलाका पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। जो कुछ और भी घर के हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, इसके साथ ही साथ जो सामने के आपको इलाका ही दिखाएंगे। इस इलाका में कोई दुकान या घर प्रभावित हुआ है तो वहाँ प्रवेश करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई दुकान या घर प्रभावित हुआ है जहाँ लोग काफ़ी परेशान हो, क्या ऐसी कुछ स्थिति दिख रही है वहाँ पर, कोई दुकान या घर ऐसा दिख रहा है वहाँ?
साफ तौर पे जो है सामने एक घर दिख रहा है, उस घर के देख रहे होंगे, घर में पूरी तरीके से वहाँ पे जाइए लोगों से बात कीजिए और कुछ घर, उस घर में हम जाने की कोशिश करेंगे, देख रहे होंगे कि वो जो घर है पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है और जो आधा इलाका है पूरी तरीके से डूब चुका है, और एक मिठाई दुकान भी है, मिठाई दुकान का भी तस्वीर आप देख रहे होंगे कि वो जो है उसका जो आधा हिस्सा है, जो पाया जो सीढ़ी का आधा हिस्सा, वो पूरी तरीके से डूब चुका है। इस घर का हम आपको तस्वीर देखा है, घर में तो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, लगभग उनका जो घर का आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा में पूरी तरीके से पानी घुस चुका है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं उनके जो गाड़ी लगी हुई है, उस गाड़ी का भी जो आधा हिस्सा है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। ये इलाका है पूरी तरीके से निचली तबके की इलाका जो कई कहा जाता है, और ऐसे में राजधानी में एक घंटे की बारिश में या दो घंटे की बारिश में इस तरीके से स्थिति देखने को मिले तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो उस दावे की पोल तो ज़रूर खुलता है। और कुछ और हम आपको तस्वीर दिखा होंगे किस तरीके से महिलाएं भी जो लोग आ रही हैं सड़क अपने रोजमर्रा ज़िंदगी में कुछ काम करने के लिए भी, उनकी वो भी अपने तक घुटने तक जो उनकी साड़ी है, साड़ी को उठाई हुई हैं, क्योंकि जो कही जाए तो उनकी जो उठाई हुई है कि भींग नहीं, बारिश में भींगे ना, उनकी जो निजी ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी में लोग बाहर निकलते हैं और ऐसे में स्थिति है, ये स्थिति है कि पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। और आगे चल के हम आपको दिखाएंगे और भी घरों की तस्वीर की किस तरीके से वहाँ की स्थिति क्या बनी हुई है। और ऐसे में साफ तौर पे जो कही जाए तो जो दावा किया जाता है वो दावे में तो पूरी तरीके से फेल दिखते नज़र आ रही है पटना नगर निगम और नगर विकास आवास विभाग, क्योंकि बात कर जाए तो जो नितिन नवीन है अभी नगर विकास आवास के मंत्री, और पिछले जब जो सरकार थी उस समय तेजस्वी यादव थे, लेकिन तेजस्वी यादव की स्थिति में भी यही देखने को मिला था। इससे पीछे अगर चल जाएं तो और भी जो लोग थे उनके समय में भी यही स्थिति देखने को मिला था। इसी तरीके से आप लोग का जीवन व्यापक होता है? हाँ, यही तरीका से हर साल की तरह ये सब रोड कभी सुधरवे नहीं करता है, हर साल की तरह मतलब भी देखिए पानी है, रात भर से सुबह से अगर व्यवस्था रहता तो निकल जाता ना। नगर निगम की ओर से दावा किया गया था कि पटना के 75 वार्ड है, जो 75 वार्ड 19 गाड़ी चलाया गया था कि 19 गाड़ी निकाल लिया जाएगा पानी, लेकिन तो नहीं ना ना कहाँ देखेंगे, इससे आगे जाइए ना देखिए ना और इतना पानी है। अच्छा, हाँ इससे आगे नहीं पानी नहीं निकल पाता है। अच्छा, उधर और कमर भर पानी है? हाँ उधर तो और कमर भर पानी है, डेली के जो काम धंधा करने वाला उस लोग को बहुत दिक्कत है। हम लोग के देखिए ज्यादा खाना बनाने जा रहे हैं, इधर बांकीपुर का इलाका बोलता है, बांकीपुर के विधायक है नितिन नवीन, वही मंत्री हैं अभी नगर विकास आवास का, उनको क्या कहेंगे? उन सबसे तो हमको बात नहीं होता, क्या कहेंगे, वोट तो दोनों जाते हैं ना, आप ही का विधायक है और आप ही का वही मंत्री है वही इलाका, विधायक का वोट मिलता है सब निचंत हो जाता है, खा लेता है और का कुछ कर पाता है, विधायक सिर्फ वोट के लेकर जाते हैं। कुछ चलिए कुछ और लोग हैं उन लोगों से भी बात करेंगे। इसी तरीके से भी जीवन व्यापन होता है क्या, इसी तरीके से जाती हैं? हाँ तो इधर देख रहे हैं ना, हाँ तो पानी पूरा भरा हुआ है, क्या कहेंगे सरकार, अब क्या कीजिएगा, तो करना तो कुछ है ना, उनको तो अति करना है ना, वोट तो देने जाती हैं, आप ही का विधायक है वही मंत्री अभी बने हुए इस विभाग, समझे जो इलाका है नितिन नवीन का ही इलाका है, जो विधानसभा जो कहा जाता है नितिन नवीन का ही, बांकीपुर विधानसभा, और नितिन नवीन जो है नगर विकास आवास के मंत्री हैं नितिन नवीन, और उनके ही इलाका में घुटने भर पानी भर गया हो तो कहीं ना कहीं उनका जो जो कार्यकाल है, कार्यकाल और साथ ही साथ जो उस विभाग के जो मंत्री हैं उन पर तो सवाल जरूर खड़ा होता है। जी नवीन, बिल्कुल, कई अधिकारियों के इस इलाके में घर हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का इस इलाके में घर है और उस इलाके की बदहाली बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीरें नगर निगम की बदहाली दिखाती है कि जो दावे पिछले कई वर्षों से सरकार करती आई है, नगर निगम करती आई है कि अगर बारिश होगी तो बारिश का जो पानी है वो सही जगह पर कलेक्ट हो, इसके हमने इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन जब तस्वीरें सामने आती हैं इस तरीके की तो सारे दावों के जो पोल हैं वो खुल जाते हैं। और एक बार फिर से वही तस्वीरें देखने को मिल रही है, देखना होगा कि ऐसी स्थिति से राजधानी पटना वासियों को कब राहत मिलती है और खास करके ये लोहिया नगर के लोगों को कब राहत मिलती है, ये भी देखने वाली बात होगी।
चलिए तो नज़र आप बनाए रखिए इन तमाम स्थितियों पर और क्या कुछ होता है, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो राजधानी पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां लोहिया नगर में स्थिति बिल्कुल जो है वो लोगों के लिए कह सकते हैं विकराल रूप ले रही है। लोगों को आवागमन में इस जल प्रलय में काफ़ी परेशानी हो रही है।